हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम काला चना मसालेदार बनाने चल रहे हैं। हम चना और आलू दोनों बॉयल कर लिए हैं। एक बारीक टमाटर काट लिए हैं। इधर हम लहसुन मिर्चा अदरक बारीक कूट लिए हैं। ये पैन गरम हो गया है, इसमें तेल डाल दिए सरसों का। एक चम्मच हम जीरा डाल रहे हैं। दरबरा कुटा हुआ प्याज अदरक वो डाल रहे हैं। इसको अच्छी तरीके से हम ब्राउन मिला दे रहे हैं, ब्राउन हो जाए। हम मसाला तैयार कर लेते हैं। एक बड़ा चम्मच छोला मसाला है, एक छोटा चम्मच जीरा पाउडर, एक छोटा चम्मच हल्दी, आधा छोटा चम्मच दरबरा कुटा हुआ लाल मिर्च है। इसका हम घोल तैयार कर ले रहे हैं। सूखा मसाला नहीं डालेंगे, नहीं तो जल जाएगा। तो घोल हम तैयार कर ले रहे हैं इसका। अब मसाला का घोल तैयार किए हैं, अभी ब्राउन हो गया है, इसमें हम घोल डाल दे रहे हैं। इसको हम धीमी आंच में अच्छे से मसाला को भूंजेंगे। मसाला देखिए तेल छोड़ने लगा है, तो मसाला हमारा ब्राउन हो गया है अच्छी तरीके से। इसमें हम टमाटर डाल रहे हैं बारीक कटा हुआ। टमाटर अच्छे से मिला के इसको हम गलाएंगे। ये टमाटर हमारा पक गया है, तो चना डाल दे रहे हैं हम इसमें। चना डाल के चला के थोड़ा सा आलू डाल रहे हैं, दो तीन। सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से हम भून ले रहे हैं मसाले में। ये सभी चीज़ अच्छे से भुजा गया है, तो इसमें हम पानी ऐड कर रहे हैं। पानी डाल दिए हैं। पानी हम थोड़ा थोड़ा करके मिला रहे हैं। इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल दे रहे हैं। हम ढक दे रहे हैं ये, ताकि अच्छे से पक जाए। ये पक गया है मसाला हमारा चना। हम हरी धनिया इसमें डाल दे रहे हैं ऊपर से। अब हम गैस बंद कर दिए हैं, तो ये चना हमारा बन के रेडी हो गया है। ये चना हम प्लेट निकाल ले रहे हैं। ये मसाला चना बन के हमारा तैयार है। आप लोग बताइएगा कैसा लगा। अगर हमारा तरीका पसंद आया है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। सभी भाई बहनों को नमस्कार।